पोजीशन को, तो यहाँ पे मार्जिन क्या हो रहा है 1,06,992, लेकिन इसी को जब हम लोग पहले बाई कर रहे हैं फिर बाद में सेल कर रहे हैं तो मार्जिन क्या हो रहा है, कम लग रहा है ना। फिर जब पोजीशन दोनों ही स्क्वायर मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल करते टाइम क्या करना होगा, जिसको सेल किए हम लोग पहले है ना, जिसको सेल किए हैं इसको हम लोग को क्या करना होगा, पहले एग्जिट मारना होगा, फिर जाके बाई किया हुआ पोजीशन हम लोग, हाँ सेल वाले को बेचें। क्यों? क्योंकि अपने पास ये इस मतलब सेल के वो पोजीशन को होल्ड करने के लिए फंड नहीं है उतना, है ना। फंड अगर है, अगर फंड इतना है तो आप कभी भी कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर फंड कम है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, पहले बाई फिर सेल, और सेल करते टाइम पहले सेल फिर बाई, तब जाके प्रॉपर तरीका से होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, फंस जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बास्केट ऑर्डर यहीं से लगा देते हैं, मार्जिन कम हुआ है और ये गलत कर देते हैं, यहाँ पे पहले सेल हुआ में सेल वाले में चल जाते हैं, बाई वाले में चल, फिर बाई वाला नीचे रह जाता है, तो पहले सेल होता है फिर बाई होता है। इसमें क्या होता है, जब एग्जीक्यूट करने जाते तो बाई किया हुआ ऑर्डर लग जाता है, सेल किया हुआ ऑर्डर नहीं लगता है, एक लग गया ऑर्डर, एक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसमें फंस जाते लोग।